आप देख रहे हैं लाइव टुडे न्यूज, आपकी बुलंद आवाज। विश्व हिंदू परिषद के स्थापना दिवस पर अतरौली में बजरंग दल द्वारा निकाली गई रैली में पदाधिकारियों ने पूर्व की केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि विगत तत्कालीन हिंदू विरोधी केंद्र सरकार ने राम सेतु तोड़ने का निर्णय लिया तो विश्व हिंदू परिषद के संतों के आशीर्वाद और आदेश के बाद हिंदू समाज को एक साथ लेकर राम सेतु की रक्षा के लिए आंदोलन किया गया। पहले भारत बंद और बाद में निर्णायक आंदोलन में दिल्ली में 35 लाख हिंदुओं की उपस्थिति में हिंदू सम्मेलन हुआ। परिणाम स्वरूप राम सेतु का टूटना रुक गया और अब भारत सरकार ने निर्णय लिया है कि राम सेतु कभी नहीं टूटेगा। उसके बाद जम्मू कश्मीर के हिंदुओं के आंदोलन का नेतृत्व विश्व हिंदू परिषद ने किया और पूरे देश के हिंदू समाज को जम्मू कश्मीर के हिंदुओं के साथ खड़ा किया। 65 दिन के आंदोलन के बाद सफलता प्राप्त की और श्राइन बोर्ड की जमीन पुनः हिंदुओं को वापस मिली। विश्व हिंदू परिषद गौरक्षा, हिंदू बहन बेटी सुरक्षा, संतों के अपमान की रक्षा, मठ मंदिरों की रक्षा के लिए नियमित अपने कार्य करते हुए हिंदू समाज के मान बिंदुओं की रक्षा के लिए सतत प्रयासरत है और संपूर्ण हिंदू समाज को एकता के सूत्र में बांधने के लिए लगातार कार्य कर रहा है। अलीगढ़ से लाइव टुडे के लिए जिला ब्यूरो रिपोर्ट। आज का कार्यक्रम अतरौली प्रखंड का है। अतरौली में विश्व हिंदू परिषद 55वां स्थापना दिवस का कार्यक्रम आयोजित किया है। यह स्थापना दिवस संपूर्ण विभाग में लगभग 45 स्थानों पर आयोजित हुआ है। आज ये कार्यक्रम भव्य दिव्य स्वरूप में आयोजित हुआ। आज से लगभग 55 वर्ष पहले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वितीय सरसंघचालक परम पूज्य माधव राव सदाशिवराव गोलवलकर जी, जिनको श्रद्धा से गुरुजी के नाम से भी जाना गया, उन्होंने कल्पना की कि विश्व हिंदू परिषद के माध्यम से हिंदू समाज की सुरक्षा, हिंदू समाज का सशक्तिकरण ये होगा। इसके लिए उन्होंने सभी पंथों के धर्माचार्यों को बुलाया। 1964 में जन्माष्टमी के दिन संदीपनी आश्रम में ये तय किया गया कि हिंदू समाज की सुरक्षा हेतु एक संगठन का निर्माण करना है। उस संगठन का नाम विश्व हिंदू परिषद रखा जाए। विश्व हिंदू परिषद के द्वारा संपूर्ण विश्व में हिंदू समाज को सशक्तिकरण करने के उद्देश्य गौ माता की रक्षा, मठ मंदिरों की सुरक्षा, हिंदू बहन बेटियों की सुरक्षा एवं हिंदू मान बिंदुओं की सुरक्षा हेतु कार्य किए जाते हैं। उन सुदूर स्थानों पर जहां पर कोई भी नहीं पहुंचता, जहां पर हिंदू समाज का अंग बहुत ही दुर्दशा हेतु जी रहा है, ऐसे स्थानों पर जाकर के विश्व हिंदू परिषद सेवा विभाग के माध्यम से